Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing chapter number 4 of social and political life. Yesterday we have discussed about one problem in South Africa. जो साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि एक हेक्टर नाम का लड़का था, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी मदर ने माया नायडू को बताया कि उसको गोली मार दी गई थी. क्यों मार दी गई थी? क्योंकि अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था, वो अपने आप को वाइट पीपल कहते थे और अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे, जो वहां के पैदाइशी लोग थे, उनको ब्लैक कहा जाता था क्योंकि उनका स्किन का कलर ब्लैक है, इसलिए वो उनको ब्लैक बोलते थे. और जो इंडियंस वहां पर एज अ ट्रेडर, एज ए लेबरर गए या व्यापारी और मजदूर बन के गए, उनको कलर्ड नाम दिया गया था, उनको वो कलर्ड बोलते थे. तो अंग्रेज लोग अपने आप को इंडियन लोगों से और अफ्रीकन लोगों से सुपीरियर समझते थे. देखिए स्टूडेंट, हम आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका के एक स्टूडेंट हेक्टर की. हेक्टर को 16 जून 1976 को पुलिस ने मार दिया था. पुलिस की गोली उसे लगी थी और उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी. क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे हेक्टर और उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स, वो अपनी जुलू लैंग्वेज पढ़ना चाहते थे और अफ्रीकान लैंग्वेज को नहीं पढ़ना चाहते थे. अफ्रीकान लैंग्वेज को अंग्रेज लोग पढ़ते थे और वो उस लैंग्वेज को स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते थे. अब अफ्रीका में एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी जिसके नेता थे नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया. 27 सालों तक वो जेल में रहे. आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका को आजाद कर दिया गया. साउथ अफ्रीका एक लोकतंत्र देश बन गया और उसका अपना संविधान बना और नेल्सन मंडेला जो थे वो राष्ट्रपति बने अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के. हमने फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि हम सरकार में भागीदारी कैसे कर सकते हैं. एक डेमोक्रेटिक सरकार जो होती है उसमें आम लोग भागीदारी कैसे करते हैं, उसमें आम लोग भागीदारी वोट देकर करते हैं. हम वोट के जरिए अपने लीडर्स को चुनते हैं और जब हम उनको चुनते हैं तो वो लीडर्स हमारी बात, जनता की बात संसद में पहुंचाते हैं. उनकी मांगों और उनकी जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनाती है फिर सरकार. अब नेक्स्ट पॉइंट था कि और कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं सरकार में. दूसरे तरीके भागीदारी करने के, सरकार में भागीदारी करने के दूसरे तरीके. देखिए, अब इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स. चुनाव हर 5वें साल में एक बार जरूर होते हैं, हर 5 साल बाद जरूर इलेक्शंस होते हैं. बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. वोट देने के अलावा सरकार में भागीदारी के और भी तरीके हैं. पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. लोग सरकार में भागीदारी कर सकते हैं कैसे, कि सरकार का जो काम काज है, सरकार जो कार्य करती है उसमें इंटरेस्ट लेकर, उसमें अपनी रुचि दिखाकर सरकार में भागीदारी दिखा सकते हैं. एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड. और जब सरकार कोई कानून बनाती है, कोई भी कार्य करती है, उसकी आलोचना करके भी हम भागीदारी सरकार में दिखा सकते हैं.
जब भी कभी आलोचना की जरूरत होती है तो हमें सरकार की आलोचना करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि सरकार ने ये कानून अच्छा नहीं बनाया तो हम सरकार की आलोचना करके सरकार में भागीदारी अपनी सिद्ध करते हैं। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अगस्त 2005 में जब सरकार ने बिजली के बिल बढ़ा दिए थे जो कि लोगों को पे करने थे, उसके खिलाफ भी लोगों ने प्रदर्शन किए। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, लोगों ने बहुत तीव्र तरीके से, बहुत तीखे अंदाज में अपनी असहमति जताई। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन, उन्होंने रैलियां की, मीन्स लोगों ने रैलियां की और उन्होंने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रू द इंक्रीज। सरकार ने इसको एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, अपनी सरकार को बचाने की कोशिश की, अपनी सरकार का बचाव किया, अपने डिसीजन का बचाव किया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, लेकिन लोगों की भावनाओं के सामने और लोगों की जो मांगे थी उनके सामने उन्होंने ये जो बिजली के बढ़े हुए बिल थे ये फैसला उनको वापस लेना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इज डिसीजन बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ता है जब भी कभी जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है। अगर जनता अपनी सहमति नहीं दिखाती है किसी भी बिल पर तो सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ता है। ज्यादातर लोग अगर मान लो असहमत हो उस बिल से तो सरकार उस अपने डिसीजन को वापस ले लेती है, उस रूल को लागू नहीं करती है। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये महसूस करा सकते हैं कि उसे कौन से डिसीजन लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। दीज इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन एटसेट्रा। इनमें शामिल है कि लोग धरना दे सकते हैं, लोग रैली कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं और हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि ये डिसीजन सरकार ने ठीक नहीं लिया तो उसके खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन रैलीज कर सकते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। जो चीजें सही नहीं होती हैं, अनुचित होती हैं, उनको आगे लाया जाता है। कैसे? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। समाचार पत्र, मैगजीन्स जो पत्रिकाएं होती हैं, टीवी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं सरकार के इशू को डिस्कस करके और सरकार की जिम्मेदारियों का डिस्कशन करके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये सभी चीजें, इन सबको इकट्ठा मिलाकर मीडिया बोलते हैं। न्यूज़पेपर से हमें खबरें मिलती हैं, मैगजीन्स से मिलती हैं, टीवी से मिलती हैं, तो ये सभी टीवी चैनल वाले जब भी कोई सरकार डिसीजन लेती है उसपे डिबेट कराते हैं, बहस कराते हैं कि क्या सही है क्या गलत और सरकार को क्या करना चाहिए था। वाइल इट इज ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, जबकि ये सही है, ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी करने के लिए उनको परमिशन देता है, इजाजत देता है लोकतंत्र। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली
एबल टू डू सो। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग वास्तव में ऐसा नहीं कर पाते हैं। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट, लोगों का पार्टिसिपेट करने का, लोकतंत्र में भागीदारी करने का दूसरा तरीका है कि वो अपने आप को इकट्ठा कर लें, या वो कोई एक सामाजिक समूह बना लें, एक मूवमेंट चला दें और सरकार के लिए चैलेंज पैदा करें, चुनौती पैदा करें कि सरकार कोई भी गलत फैसला नहीं ले और जो सरकार का कामकाज है उसको चुनौती दे वो समूह। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासीज, वीमेन एंड अदर्स आर ओफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन वो लोग और जो दलित हैं वो लोग, आदिवासी और महिलाएं, ये सभी लोग इस तरीके से भागीदारी करके जो है सरकार के खिलाफ, सरकार की फंक्शनिंग पर, सरकार के कार्य पर सवाल उठा सकते हैं। इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, यदि किसी भी देश के लोग अलर्ट हैं और वो ये इंटरेस्ट रखते हैं कि सर देश को कैसे चलाना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, इन सब बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। तो उस देश का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी ज्यादा मजबूत होगा। मीन्स सरकार को भी ये लगेगा कि लोग जागरूक हैं, अगर आप कोई गलत फैसला लेते हैं तो सरकार, तो लोग इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे और सरकार कोई भी गलत फैसला या लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर सकती है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आर सिटीज एंड टाउन्स ऑफ विलेजेस आर शुड villages, we should pause to find out what the rally is about. इसलिए अगली बार जब कभी भी हमारी गलियों में से, हमारे शहर में से, हमारे नगर में से, हमारे गांव में से कोई भी अगर रैली निकलती है, अगर लोगों का समूह निकलता है, गुजरता है वहां से, तो हमें उसको देखकर रुकना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये रैली क्यों हो रही है, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, इसमें कौन भाग ले रहा है, एंड वॉट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो ये विरोध क्यों कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आर गवर्नमेंट वर्क्स। अगर हम ये सब पता करेंगे तो हमें ये समझ होगी, ये पता चलेगा कि हमारी सरकार काम कैसे करती है।